हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं मोदक, वो भी दो प्रकार के। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ली है, उसमें हम 250 ग्राम मावा ऐड कर देंगे। इसको अच्छे से मिक्स करते जाना है। ये देखिए, मिक्स करते रहना है। यहाँ पे मैंने जो वीडियो है फास्ट फॉरवर्ड कर दी है, ताकि जो वीडियो है ज़्यादा लेंदी ना हो जाए। मिक्स करते रहना है, 2 से 3 मिनट तक हम इसको मिक्स करते रहेंगे। हमें ज़्यादा टाइम इसको पकाना नहीं है। ये देखिए, यहाँ पे मैं अभी फूड कलर ऐड करूँगी, येलो कलर ऐड कर रही हूँ। आप चाहे केसर का दूध भी ऐड कर सकते हो, ये बिल्कुल भी ऑप्शनल है। अगर चाहे तो नहीं ऐड किया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिक्स करेंगे, जो हमारा मावा है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो चुका है, देख सकते हो आप। निकाल लेंगे प्लेट में और 2-3 मिनट तक इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। बिल्कुल भी नो कुक रेसिपी है ये। ये देखिए, मावा अच्छे से ठंडा हो चुका है। इसमें हम शुगर पाउडर ऐड कर देंगे। आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हो। अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हो तो आप ज़्यादा ऐड कर सकते हो। यहाँ पे मैंने 150 ग्राम शुगर पाउडर ऐड की है। ये देखिए, इलायची पाउडर ऐड कर देंगे। आप चाहे तो इसमें काजू बादाम ऐड कर सकते हो। घी में थोड़ा सा रोस्ट करना है आपको और फिर इसमें ऐड कर देना है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, ये डो बन के रेडी है। ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है, बस जो स्टफ है उसको भरना है बस इसमें और प्रेस करते इसको निकाल देना है। ये देखिए, इसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे, एक्स्ट्रा है वो उसको निकाल देंगे हम। बिल्कुल भी नो कुक रेसिपी है ये। देखिए, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट में एक मोदक आपके बन के रेडी हो जाएंगे। ज्यादा टाइम नहीं लगता है इसको। देखिए, हमारा जो मावा मोदक है वो बन के बिल्कुल रेडी है। 10 मिनट के अंदर ये मोदक रेडी हो जाते हैं। अगर आपको मीठा भी खाना है और ज़्यादा कुकिंग भी नहीं चाहिए तो ये बहुत इजी और टेस्टी रेसिपी है। घर पे एक बार ज़रूर ट्राई कर लीजिएगा। इसी तरह से मैं पूरा मोदक बना लेती हूँ। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, विद इन 10 मिनट्स के अंदर ये सारे मोदक रेडी हो जाते हैं। ज़्यादा काम भी नहीं होता है और ज़्यादा कुकिंग टाइम में भी नहीं होता है। ये देखिए, बहुत ही ज़्यादा इजी है। आप चाहे तो मिल्क पाउडर भी ऐड कर सकते हो। ये देखिए, हमारे जो मोदक है मावा मोदक बनके रेडी है। चलेंगे नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। यहाँ पे मैं दूसरा मोदक बना रही हूँ। मूंगफली लेंगे, इसको रोस्ट करना है हमें। ज़्यादा नहीं करना है, बस इसके छिलके निकल जाए तब तक हम इसको रोस्ट कर देंगे। इसको जलाना बिल्कुल नहीं है। ये देखिए, निकाल लेंगे हम इसको प्लेट में, इसके छिलके निकालेंगे और इसको बारीक कर देंगे, पीस लेंगे। बाद में वापस मैं कढ़ाई गरम करके
इसमें एक टेबल स्पून घी ऐड कर रही हूँ। घी को थोड़ा सा गर्म होने देंगे। ये देखिए, इसमें अब ऐड करेंगे डेसिकेटेड कोकोनट। आप चाहे तो बाजार में जो नारियल आता है वो भी बारीक कट करके आप पीस करके इसको ऐड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिक्स करेंगे इसको अच्छे से, इसको छोड़ना नहीं है ताकि वो नीचे से डार्क ब्राउन नहीं करना है हमें, तो इसको चलाते जाना है। देखिए पीनट जो बारीक करके यानी पीस के लिया था उसको इसमें ऐड कर देंगे। मिक्स करेंगे इसको अच्छे से, हमें डार्क ब्राउन नहीं करना है, हमें इसको चलाते जाना है ताकि नीचे से जले ना या फिर डार्क ब्राउन ना हो। उसके बाद यहाँ पे गुड़ लिया है मैंने, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हो। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हो तो आप ज़्यादा ऐड कर देना। उसके बाद यहाँ पे इलायची पाउडर लूँगी मैं, इलायची पाउडर ऐड कर देंगे और इसको चलाते रहना है। मिश्रण हमारा अच्छे से जब तक हो नहीं जाता है मिक्स, तब तक हम इसको चलाते रहना है। ये देखिए मिश्रण हमारा बनके जो है रेडी है, हम इसको अभी प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए, ज्यादा ठंडा होने नहीं देना है वरना ये ज्यादा हार्ड हो जाएगा, हमें इसके तुरंत मोदक बनाना शुरू करना है। ये देखिए प्लेट में निकाल दिया है मैंने। मैं यहाँ पे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने पिस्ता और काजू लिया हुआ है और यहाँ पे मैं बादाम भी ऐड कर रही हूँ, देख सकते हो आप। थोड़ा सा स्टफ लेके इसमें ऐड करना है, देख सकते हो आप। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं ये मोदक, घर पे एक बार ज़रूर ट्राई करना आप। बिल्कुल भी नो कुक रेसिपी है। अभी गणेश उत्सव आया है और घर पे मोदक ना बने ऐसा हो नहीं सकता। आप अलग अलग स्टाइल के मोदक भी बना सकते हो घर पे। ये देखिए थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे इसको अंदर से ताकि इसको सेप आ जाए। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं ये मोदक, प्रेस करते रहना अच्छे से। निकाल लेंगे अभी इसको, देख सकते हो कितना सुंदर मोदक हमारा बना है। अगर एक्स्ट्रा होगा तो उसको निकाल देंगे। ये देखिए दिख रहा है ना स्वादिष्ट और कमाल का। सेकेंड प्रोसेस भी हमें ऐसे ही करना है, ड्राई फ्रूट्स ऐड करके स्टफ भर के हम इसको बना देंगे। तो गाइज आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अगली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको फर्स्ट आ जाए। लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।